Hey guys, welcome to the channel V-Back। और guys, आज मैं आपको शो करने वाला हूँ कैसे आप स्पूफ कर सकते हैं आईफोन में, या फिर मैं कहूँ तो वन क्लिक के अंदर आप कैसे अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से मैसेजेस ये भी आते थे मुझे, ब्रो आप एंड्रॉयड के अलावा आप आईफोन में स्पूफिंग नहीं बताते हो, तो जो मैं मेथड आपको शो कर रहा हूँ वो आप सिंपल सा देख सकते हैं, वर्क भी करता है। फ्रेंड्स, आप देखना मेथड कैसे वर्क करना, आपको वो प्रोसेस फॉलो करनी होगी तो आप आईफोन में भी वन क्लिक के अंदर आपकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना होगा फ्रेंड्स सिंपल सा पीसी में, और जो मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको उस पर क्लिक करना है और आपको सिंपल सा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है पीसी के अंदर। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि इस मैं कहूं तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप iOS या फिर कहूं तो आईफोन के अंदर लोकेशन चेंज कर सकते हैं वन क्लिक के अंदर। आगे मैं शो भी करता हूं कि ये कैसे वर्क करता है और आप कैसे वन क्लिक के अंदर आपकी लोकेशन चेंज कर देंगे। आप सब इसमें जो भी फंक्शंस हैं फ्रेंड्स, वो मैं अभी आपको शो कर रहा हूं कि कुछ क्या मेथड्स हैं, जॉयस्टिक के मेथड्स हैं, प्लस इसमें फ्रेंड्स पाथ के ऊपर भी आप सिंपल सा स्पूफ कर पाएंगे या फिर वॉक कर पाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पीसी में इसे डाउनलोड करके सिंपल सा ओपन कर लेना है और वर्चुअल लोकेशन पर टैप कर देना है। फ्रेंड्स, आपको अप कर लेना आपके आईफोन को कनेक्ट पीसी के थ्रू। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको शो भी कर रहा हूँ सिंपल सा, अब आपको सिंपल सा यहाँ पर गेट स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा तो उस पर आपको कर देना है टैप। फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स जो मेन प्रोसेस है वो आपकी मैं बता दूँ। फ्रेंड्स, आपको कनेक्ट जरूर करना है आईफोन और सिंपल कहूँ तो मैं पीसी को दोनों के बीच में। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जो आप देख सकते हैं सिंपल सा, आप नॉर्मली आपके GPS जो आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ की पीसी और आईफोन में सेम लोकेशन है अभी मेरी यहाँ पर, और उसके बाद मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा और कैसे आप सिंपल सा चेंज कर सकते हैं लोकेशन। और जॉयस्टिक यहाँ पर अवेलेबल है तो आपको उसकी भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको अब मैं अभी शो करता हूँ जॉयस्टिक मोड। फ्रेंड्स, सिंपल सा आप देख सकते हैं जो सेम लोकेशन से यहाँ पर, यानी कि पियर 39 की, और अब आप देख सकते हैं मैं जैसे ही जॉयस्टिक से मूव कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट में मूव कर रहा हूँ तो मेरी जो सिंपल सा मैं कहूँ लोकेशन है वो भी सिंपल सी आईफोन के अंदर आप देख सकते हैं वो भी सिंपल सी चेंज हो रही है और मूव कर रही है। तो सिंपल से इसमें जॉयस्टिक का जो मेथड है वो आपके यूज़ करके आप अपने जॉयस्टिक कहूँ तो मैं GPS को सिंपल सा चेंज कर सकते हैं, और बहुत बहुत सिंपल है फ्रेंड, आप ट्राई ज़रूर करना अगर आपके पास आईफोन या फिर मैं कहूँ PC दोनों ही हैं तो। तो फ्रेंड्स, आपको ये मैंने सिंपल सा शो कर दिया कि आप जॉयस्टिक के थ्रू सिंपल सा इसे यूज़ कर सकते हैं और ईजिली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ PC और आईफोन में ये नॉर्मल वर्क कर रहा है। और आपकी जो लोक स्पीड में कहूँ तो आप नॉर्मल देख भी सकते हैं, नीचे मैंने अभी स्पीड फुल रखी है, आप चाहें तो नॉर्मल भी रख सकते हैं। मैं आपको शो करता हूँ कि सेकेंड मोड इसमें क्या है और वो कैसे वर्क करता है। फ्रेंड्स, जो स्पीड का मैं आपको शो कर रहा हूँ वो तो सिंपल सा आपको वही रखना है, यानी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और जो लोकेशन मैंने सिंपल से अभी आप देख सकते हैं पीसी में चेंज की, तो सिंपल से मेरी आईफोन में भी लोकेशन चेंज हो गई। तो अब आपको कर देना है सिंपल सा जो अभी मैं शो कर रहा हूँ उसके थ्रू आप सिंपल से अपने पाथ बना सकते हैं जो मैंने सिंपल से बनाए भी हैं। तो रूट जैसे ही मैंने फ्रेंड्स बनाए और मैंने सिंपल सा उसमें मूव हियर करा तो आप देख सकते हैं पीसी में वो सिंपल सा उस रूट पे सिंपल से जॉयस्टिक मूव हो रही थी, और साथ ही साथ आईफोन में भी मेरी लोकेशन मूव हो रही थी। आपने देखा फ्रेंड्स कि इसमें नॉर्मली आप सिंपल से टेलीपोर्ट कर सकते हैं वन क्लिक के अंदर, प्लस आप ऑटो वॉक का भी सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आप सिंपल से रूट बना सकते हैं अपने हिसाब से जहां भी आपको सिंपल से मूव करना है, और या फिर मैं कहूं तो आप जॉयस्टिक के थ्रू भी आप स्पूफ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स मल्टीपल स्पॉट कैसे बनाने हैं आपको इसमें, और उसके थ्रू आप कैसे स्पूफिंग कर पाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर मैं सिंपल से मल्टीपल स्पॉट बना रहा हूं जहां जहां मुझे स्पूफ करना है या फिर मैं कहूं तो लोकेशन को मूव करना है। तो अब मैंने बना दिए यहां पर थोड़े से मैं कहूं तो पाथ्स, और उसके बाद मैंने कर दिया यहां पे मूव हियर। आप देख सकते हैं अगेन फ्रेंड्स पीसी और आईफोन में सेम लोकेशन मूव हो रही है, यानी कि फ्रेंड्स अगेन यहां भी ये वर्क कर रहा है। आप चाहें तो फ्रेंड्स मैं अभी भी आपको रिपीट करूं कि आप इसे ऑटो वर्क में भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको सिंपल सा शो करता हूं कि आप इसमें टेलीपोर्ट कैसे कर पाएंगे वन लोकेशन, या फिर मैं कहूँ किसी भी रेंडम प्लेस पर जहाँ भी आपको स्पूफ करना है, या मैं कहूँ तो लोकेशन को चेंज करना है। मैंने सिंपल से यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को लिख दिया है फ्रेंड्स, जो आप नॉर्मल किसी भी जगह पर आप स्पूफ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिंपल सा सैन फ्रांसिस्को टाइप करने के बाद यहाँ पर सर्च कर दिया, और
अगर आपको स्पूफ करना है नॉर्मली और आपको लोकेशन चेंज करनी है तो आप सिंपल से कोई भी जगह सर्च कर सकते हैं और उसके बाद आपको गो कर देना। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिंपल सा आपको उसके बाद आपको सिंपल सा मूव ईयर कर देना, आपकी लोकेशन नॉर्मली चेंज हो जाएगी वन क्लिक के अंदर। और स्पीड का फ्रेंड्स आप ऑप्शन देख ही रहे होंगे जो यहाँ पर शो होता है, अपने हिसाब से जो भी आपको परफेक्ट लगे वो आप सिंपल से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मूव करा, आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर जो मेरी लोकेशन थी वो सिंपल सी फ्रेंड्स पियर 39 में आ चुकी है। को मैं सिंपल सा बता दूं फ्रेंड्स, ये पेड प्रमोशन था, मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा, लेकिन ये मेथड जरूर वर्क करेगा अगर आपके पास पीसी या फिर मैं कहूं आईफोन है। तो फ्रेंड्स ट्राई जरूर करना और बताना कि आपके ये वर्क कर रहा है या नहीं अगर आपके पास आईफोन है। मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वीबैक फैमिली को वीबैक की तरफ से बाय।